हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से ये बात करने आया हूँ जो आप लोग के साथ साथ मेरी भी खुशी और मेरे साथ साथ आपको भी खुशी होगी। मैं जो रेलवे टेक्नीशियन का जो 2018 का वैकेंसी थी, उस वैकेंसी में मैं 0.1 से पीछे रह गया था, जिसके कारण आज मैं इतना देर तक इंतज़ार करने के बाद आज मेरी खुशी का इंतज़ार, जो खुशियां आने वाली थी उसका इंतज़ार जो है ख़त्म हो गई। अब हमारे ज़िंदगी में खुशी की लहर आई है और ये अब मेरा रेलवे टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग लेटर अब बाय पोस्ट मेरे घर अब पहुंच चुका है, जिसे मैं आप लोग को दिखाऊंगा और सारे प्रोसेस मैं बताने वाला हूं आपको। जैसे मैं ग्लोरियस कोचिंग सेंटर पालीगंज में अपने एक संस्थान चलाया जब 2018 के बाद, उसके बाद उसका वेट करते करते मैंने आज आप मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है ये रेलवे टेक्नीशियन पोस्ट का। तो मैं कितना बताऊं मैं दोस्त, जितना दिन से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, बहुत काफ़ी इंतज़ार किया मैं इसके लिए। तो मैं इसके लिए साहस आपको इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि हार कभी मत मानिएगा, हार कभी भी मत मानिएगा। जितना भी ठोकरें मिले, ठोकर से भी पीछे मत हटिएगा। अर्थात जो बच्चे, जो व्यक्ति उन ठोकरों को सामना किया, वास मंजिल उन्हें मिला है। नहीं पता आप लोग का, मेरे अंदर मेरे ज़िंदगी में बहुत ही सारा ठोकरे आई हैं, लेकिन उस ठोकरे को हमने बहुत सारा सामना किया। यहाँ तक होती है जो व्यक्ति के अंदर में सहनशीलता होती है। ऐसा नहीं कि भाई ठोकर खाती हैं तो भाई चले उस व्यक्तित्व से आकर के भाई झपट लिया जाए, लड़ लिया जाए, तो ऐसे नहीं है। जिसके अंदर सहन शक्ति होती है बहुत सारा ठोकरे खाता है, लेकिन याद कीजिए उन्होंने घुट घुट करके व्यक्तित्व जीता है और वो व्यक्ति के आस काफ़ी दिनों के बाद वो खुशियाँ जिंदगी में जरूर आती है। तो मैं दोस्त विशेष मैं क्या बताऊँ, ये है देखिए मेरा ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें देखिए इसमें ज्वाइनिंग लेटर है आपका जो दिखा रहा हूँ मैं, देखिएगा मेरा ज्वाइनिंग लेटर है ही। तो ये ज्वाइनिंग लेटर ये आपको मैं बताऊं, जो आप शायद देखिए सीधा सा नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब शायद नहीं जा रहा है, चलिए जो भी है, पिंटू कुमार का जो भी ज्वाइनिंग लेटर आप देख रहे हैं, ये अपने सामने देख रहे होंगे। तो ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर, अब लास्ट मेरा इंतज़ार कंप्लीट हुआ और मैं अगले मंथ अर्थात समझे 10 यानी दशहरा के बाद मेरी जो दीपावली है, मैं रेलवे का सेवा में तत्पर हूँ करने के लिए। और अब मैं विशेष क्या कहूँ, फिर धीरे धीरे जो भी वीडियो आएगा मैं आप लोग के पास शेयर करूँगा। तो चलिए मेरे दोस्त फिर मिलेंगे, और इससे जानकारी मैं अभी तत्काल इस ज्वाइनिंग लेटर को इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि ये ज्वाइनिंग लेटर अपने माता पिता के समक्ष मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। न जाने माता पिता की कितनी खुशियाँ होगी, वो खुशियाँ उस सामने मैंने लाना चाहता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, थैंक यू वेरी मच।